परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को जब 10 लाख लोगों के साथ नागपुर की दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की तो उन्होंने हमें 22 प्रतिज्ञाएं बताई हमें और उन्होंने कहा कि हर कोई व्यक्ति जो भी मुझे मानता है या बौद्ध धर्म को मानता है बौद्ध धर्म में दीक्षित होना चाहता है उसे ये 22 प्रतिज्ञाएं याद रखनी चाहिए। तो हमारे समाज के लिए ये 22 प्रतिज्ञाएं आदेश हैं। इनमें पहली प्रतिज्ञा जो थी वो थी कि मैं कभी भी ब्रह्मा विष्णु महेश इनको ना ईश्वर मानूंगा ना ही इनकी पूजा करूंगा। आखिर बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ना इनको ईश्वर मानूंगा ना इनकी पूजा करूंगा? इसके पीछे कोई तो कारण रहा होगा। निश्चित रूप से अकारण बाबा साहब ने कोई भी बात नहीं कही और इस बात को कहने के बहुत बड़े गहरे तथ्य हैं इसके पीछे जो बाबा साहब ने हमें कहे जो बाबा साहब ने हमें बताए। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये तीनों हिंदू धर्म के आधार हैं, उसी हिंदू धर्म के आधार हैं जिसने हमेशा इतने बड़े समाज को शुद्ध समाज को अछूत समाज को हमेशा सभी किस्म के मानवीय अधिकारों से वंचित रखा। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा। ये आखिर केवल यही नहीं है कि हिंदू धर्म के आधार थे, साथ में यह भी थे कि इन्हें ईश्वर माना जाता है और हिंदू धर्म के लोग कहते हैं कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है, हर जगह विद्यमान है। जब हर जगह विद्यमान है ईश्वर तो क्या उस ईश्वर को दिखाई नहीं दिया? हजारों साल तक, एक साल, दो साल, चार साल माना भी जाता, लेकिन हजारों साल तक उसे ये दिखाई नहीं दिया कि लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों पर एक समाज विशेष द्वारा लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं, अन्याय किए जा रहे हैं और अन्याय भी इस कदर किए जा रहे हैं कि वेद वाक्य अगर किसी अछूत या शूद्र के कान में पड़ जाए तो उसके कान में पिघला हुआ सीसा या लाख डाल देना चाहिए, या अगर उसके मुंह से कोई उच्चारण हो जाए वेद वाक्य का, स्मृति वाक्य का, तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए। और केवल यही नहीं, ब्राह्मणों ने तो यहां तक भी किया कि अगर कोई शूद्र ब्राह्मण को गाली देता है तो उसकी हत्या कर देनी चाहिए और एक शूद्र की हत्या करने में ब्राह्मण को केवल इतनी ही सजा होगी जैसे एक कुत्ते को मारने पर होती है। तो इंसानियत को जिस तरह से यहां कुचला गया उन सारी चीजों को ये जो ईश्वर जी ने कहते हैं जो कण कण में विद्यमान है जो हर जगह जब है ये तो क्या ही नहीं अन्याय या अत्याचार कभी दिखाई नहीं दिया? और अगर दिखाई देता तो निश्चित रूप से करते। और दिखाई क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये ईश्वर है ही नहीं, ये केवल ब्राह्मण धर्म और ब्राह्मणवाद और हिंदू धर्म की कोरी कल्पना है जो उन्होंने थोपी लोगों को गुलाम बनाए रखने के लिए। ये एक बड़ा जबरदस्त षड्यंत्र रहा। तो ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये महेश हजारों साल तक इनकी आंखों में एक भी जरा से भी कोई आंसू नहीं आया, कोई नमी नहीं आई और करोड़ों लोगों पर ये अन्याय या अत्याचार होते हुए देखते रहे। इसीलिए भगवान बाबा साहब ने कहा कि मैं कभी भी ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा। तो पहली प्रतिज्ञा जो थी परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने जो हमें दी वो ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, इनकी कभी पूजा नहीं करूंगा। तो हमें उसका अक्षरशः पालन करना चाहिए अगर हम बाबा साहब को मानने वाले हैं तो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।